हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पे। दोस्तों, इससे पहले मैथ के मैंने 11 क्वेश्चन आपको पार्ट वन में करा रखे हैं, मैथ्स मैराथन फॉर एनवी, और ये है पार्ट नंबर टू। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम देखते हैं कितने क्वेश्चन को कवर कर पाते। उससे पहले मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि 25 जुलाई से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। कब से दोस्तों? 25 जुलाई से हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट है, जिसको हम नाम दिए हैं सिलेक्शन बैच। क्या नाम दिए दोस्तों? सिलेक्शन बैच। अगर आप हार्डवर्क करते हैं ना, तो आपका 1 सीट पक्का है। और आप इन नंबर्स पर कॉल करके सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में, तब दोस्तों सुबह 10 और 11 के बीच कॉल करके आप इस सिलेक्शन बैच को जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कैसे उसमें करना है? फी मात्र 99 रुपये है दोस्तों, फी मात्र कितना है? 99 रुपये। और इस सिलेक्शन बैच में आपको क्या मिलेगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिए जाएंगे, डाउट सेशन लिए जाएंगे। दोस्तों डायरेक्ट आप मेरे से कॉल करके बात कर सकते हैं किसी भी डाउट को लेकर, ठीक है। और उसके बाद जो है मॉक टेस्ट दिया जाएगा फ्री में मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है। आप चाहे फ्री में मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे सिलेक्शन बैच, मतलब 99 रुपये देना ही देना है, ठीक है। और इसके बाद TCS पैटर्न पर आधारित और भी क्वेश्चन होंगे, और YouTube पर भी तो क्लासेस चल ही रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। दोस्तों बारिश हो रही, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चिंता आपकी, क्योंकि 21 अगस्त को आपका एग्जाम है। मैं नहीं चाहता कि मैंने जो आपसे वादा किया टॉप 100 का, वो अधूरा रह जाए, ठीक है। तो चलिए, पहले क्वेश्चन से हम क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादातर मैं आज लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। 11 तक का क्वेश्चन हो गया था, 12 तक के क्वेश्चन से बात करते हैं। कह रहा है 25/13 2 पावर 40, इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर मतलब दोस्तों होता है शेषफल। रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। जैसे मान लिया आपने 2 से भाग किया 5 में, तो 2 × 2 = 4, 5 में 4 = 1, एक शेषफल बचा ना। तो यानी कि आपने 5 से किसे भाग दिया? 2 से, तो कितना आ गया? 2 × 2 = 4, एक शेषफल बचा ना दोस्तों। तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से बचता है, उसको रिमाइंडर बोलते हैं, अर्थात शेषफल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यार यहाँ पर तो कुछ उस तरह का केस नहीं बन पा रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वो केस नहीं बन पा रहा। अब आप सोचेंगे सर यहाँ पर हम क्या करें, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, एक तरीका आपको बता रहा हूँ, जो तरीका सबसे बेस्ट है यूट्यूब पर, ये तरीका आपको जल्दी कहीं पर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आपको ये काम करना है कि जब एक चीज याद रखिए, +1 - 1, बस, कि जब भी आपके सामने रिमाइंडर थ्योरम आ जाए, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन आ जाए, तो आपको जो उसमें लाने हैं ना आंसर, वो +1 में लाना है या फिर -1 में लाना है, ठीक है दोस्तों। अब ये +1 और -1 का चक्कर क्या, ये भी समझ लीजिए। 13 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 13 × 2 = 26, या फिर अगर हम हिंदी में बात करें, 13 से आप 25 में डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 13 × 2 = 26। अब देखिए दोस्तों, 13 से आपने 25 में भाग किया तो 13 × 2 = 26। अब ये अब यहाँ पे घटता है, 26 में से 25 जाएगा 1। मैंने क्या बताया था कि 1 प्लस है या माइनस है। अब प्लस और माइनस का चक्कर क्या है? अगर दोस्तों ये वाला ज्यादा रहता है ना, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए लिखा 13 × 13, यहाँ पे 12 बचता, तो +1 आता ना, तो दोस्तों 12 रिमाइंडर थोड़ी ना होगा, ध्यान से देखिएगा। तो 13 × 2 = 26 हुआ ना, तो -1 आ गया। तो दोस्तों अगर -1 आ जाता है तो करते क्या पता है? इससे डिवाइड किया, -1 लिख दिया, और इसके ऊपर कितना? 48 है, ठीक है, 2/13 ये कर लिया हमने। 25 के ऊपर 48 है ना, तो जब 13 से आपने 25 में डिवाइड किया, 13 × 2 = 26, -1 आया ना, तो -1 आया, -1 लिख दिया, यहाँ पे 48 है ना, तो 48 लिख दिया। एक बात बता दीजिए, अगर -1 के ऊपर 120 है, -1 के ऊपर 10 है, -1 के ऊपर 5 है, यानी कि -1 के ऊपर जब कभी भी पॉजिटिव नंबर आता है ना, तो वो प्लस में हो जाता है। तो -1 के ऊपर 48 है, तो +1 हो जाएगा। यार कई लोग 48 लिख देते हैं, बुरा तरीके, गलत है, ऐसा करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा। -1 के ऊपर 48 1 होगा बाई 13। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये 1 बचा ना, यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। यही हमारा क्या होता है? रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर मतलब होता है दोस्तों शेषफल, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हुआ? मुझे लगता है आप लोग अच्छे से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अभी रिमाइंडर थ्योरम का एक दो क्वेश्चन और लेंगे, ताकि यार ये वाला डाउट खत्म हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन 13। 69 67 by 68।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे 69 है, यहाँ पर है 68, अर्थात बात करें यहाँ पे 69 है, यहाँ पे 68 है। तो पता है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आपको किसी भी एंगल से प्लस वन में या फिर माइनस वन में चीजों को लेकर चलना, अगर वो आप करते हैं तो फिर अच्छा है। तो अब जब आप 68 से दोस्तों 69 में डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो 68 वन या 68, यहाँ पे घटाएंगे एक बचाना, वो भी दोस्तों प्लस के साथ, तो टेंशन नहीं है। तो एक के ऊपर 67/800, ठीक है दोस्तों। अगर एक के ऊपर 67 है, एक के ऊपर कोई भी अंक रहता तो एक ही आता है, अगर एक के ऊपर 1000 इतना कुछ भी लिख दिया तो भी यहाँ पर एक ही आ जाए, ठीक है। तो एक के ऊपर 68 मतलब 1/68, अगर ये प्लस में आ जाएगा तो ये हमारा कहा जाकर रिमाइंडर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर अगर ये माइनस में आ गया तो फिर क्या करेंगे, दिमाग में दोस्तों आना ही चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में आना जरूरी है। उसके लिए मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि मजा आ जाए, हो गया ना। क्वेश्चन 13, तो कभी भी दोस्तों अगर देखिए अगर ये माइनस में आ गया ना तो इसमें में से घटा लेते हैं, ध्यान समझ लीजिए, अगर ये माइनस एक रहता तो 68 में से घटाते तो 67 आ जाता, कितना जाता 67 अर्थात 67। चलिए 13वां क्वेश्चन है, 14 भूल गए, कौन सा क्वेश्चन था 13वां, ही कहते हैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक यूनिट डिजिट का क्वेश्चन लेते हैं, 3 के ऊपर 51, इसका यूनिट डिजिट बताएं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है दोस्तों इकाई का अंक, यहाँ 3 के ऊपर 51 रहे, चाहे आप मान लीजिए हमने लिख दिया 2 के ऊपर 178, ये कुछ भी है, ठीक है ना, हमने ही कर लिया। दोस्तों जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना और आपसे यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है इकाई का अंक, ये चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। यूनिट डिजिट का मतलब दोस्तों, प्यारे दोस्तों, क्या होता है इकाई का अंक। तो दोस्तों जब कभी ये आधार होता है ये घातांक ये दे ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर दीजिए दोस्तों, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 4 से ही डिवाइड क्यों करते, उसके लिए मैंने यूनिट डिजिट बाय वैजनाथ सर लिखेंगे तो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना, वो रीजन वहाँ बताए हैं। यहाँ पे क्योंकि एक्सपेक्टेड चल रहा है ना, तो फिर ज्यादा डिस्कस करना फिर दिक्कत हो जाएगी। 4 से आप 51 में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, फिर कितना हो जाएगा 4 1 4 5 में से 4 गया 1 और यहाँ पे 1 4 2 जा 8, 11 में से 3 बचा दोस्तों ना, जो यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे कितना बचा है 3, 4 1 करने में 4 5 11 4 2 8, यहाँ पे 3 बचा ना, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ 3 है ना, ये क्वेश्चन गलत लग रहा है दोस्तों, एक सेकंड। चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपने 4 से डिवाइड किया ना, तो जो ये शेषफल आता है दोस्तों, इसको इसके ऊपर लिख देते हैं, तो 3 के ऊपर क्या लिख देंगे 4। दोस्तों यहाँ पर जो शेषफल आता है ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ध्यान समझ लीजिए। अब 3 के ऊपर 4 का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, यहाँ 3 है ना, शेषफल 3 है ना, तो 3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो आपने 4 से भाग के जो शेषफल आता है इसको ऊपर लिख दिया, 3 के ऊपर 3 का वैल्यू, 3 × 9 = 27 आपका क्या, 27 आया ना, तो यूनिट डिजिट यहाँ बता दीजिए कितना होगा, तो यहाँ पे 7 होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 7। ये लास्ट 2 2 7 इका, हिंदी में ऐसे ही तो कहते हो यार, तो 7 इका 7 आपका क्या हो जाए यूनिट डिजिट। अगर ये नहीं था तो ये देखिए आपको करना क्या, हमेशा लास्ट वाले, जब यहाँ तो कुछ भी रहे ना, तो लास्ट वाले 2 अंकों को उठाइए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, तो 4 से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 1 कुछ भी रहे, 4 × 8, यहाँ पे दोस्तों कितना बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, कितना बच गया 3 बच गया, तो 3 बच गया, तो 2 के ऊपर 3 कर देंगे, तो 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या, 2 × 4 × 8 आपका यूनिट डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट के लिए आपको करना क्या दोस्तों, हमेशा जो 4 से डिवाइड करना, क्या करना है, हमेशा 4 से डिवाइड करना है। आइए 15वां, आज नंबर सिस्टम बेस्ड क्लास है दोस्तों, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे नंबर नंबर सिस्टम पर आधारित है। आइए रहते क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है, एक
क्या है, इसका वैल्यू क्या थी? चलिए क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए दोस्तों, सर इन इनको को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आने वाला है। क्यों गिर रहे हैं? चलिए देखो, देखिए दोस्तों यहाँ पे बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, हमें करना क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ 3/4 है, 1+1, आपको करना क्या, पर यहाँ 3/4 लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 3 1 जा 3 और ये 4 4/3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 5/3 आ रहा है। यहाँ पे 5 1 जा 5 में से 2 गया 3/5। यहाँ पे डैश डैश करके है कि 13 3 13 में से 12/1/3, ये चीज आ रहा है। दोस्तों एक चीज जान लीजिए, मैं अच्छे तरीके से आपसे क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला कट रहा है ना, शुरू वाला कट रहा है, तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा। तो इस तरीके से दोस्तों कटते कटते ना, इस तरीके से कटते कटते क्या हो जाएगा, ये शुरू वाला जो है इससे लास्ट से जो है कटता रहेगा। लेकिन यहाँ पे 1 -12/3 है ना, तो एक और यहाँ पे आ जाएगा, एक और यहाँ बीच में था दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने भूल गया, 7 1 करने में 7 7 1, देखिए इसको सालों के 7 1 करने में 7 है, 6 का 7 13/7 यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, है ना। डैश 1 2 3 4 5 6, एक बार और अच्छे से आप समझ लीजिए, ये हमारा मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3/4 कर दिए, इसको सालो किया, 3 1 जा 3 और ये 1 4, यानी कि 3 1 करने में 3, 3 1 4 4/3 आ गया, 3 1 करने में 3, 3 2 5 5/3 हो गया, फिर 5 1 करने में 5, 5 में से 2 जाएगा 3/5, 7 1 करने में 7, 6 1 करने में 6, 13/7 हो गया, फिर 1 13 1 करने में 13, 12 1 ये हो गया, 1/13 आ गया। फिर दोस्तों ये क्या हो रहा है, 13 से 13 कट जा रहा है, हमारे पास बचा क्या, ऊपर 1 बचा, नीचे 7 बचा है, 1/7 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ना वो कटता जाता है, क्या होता है क्वेश्चन का जो होता है ना वो कट जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो फटाफट वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 16, सुनामक दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों क्वेश्चन टाइप आज नहीं हो पाऊंगा, फिर सॉरी अगली बार मैं रखा लूंगा तो उसमें जरूर रहेगा, और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष दो वर्ष के लिए अंतर ₹300। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही गजब का है, ठीक है ना। ये एग्जाम में आप सभी के प्रीवियस या टीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से समझ लीजिए, जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ वो टीसीएस बेस पर ही होता है, ठीक है। किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 10% प्रतिवर्ष पर 2 वर्ष के लिए अंतर ₹300 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि मतलब हो रहा है दोस्तों यहाँ पर हमसे पी पूछा है, क्या पूछ रहा है, पी, पी को हम राशि बोलते हैं, अर्थात पी का मतलब होता है दोस्तों प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है ना। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज को सीआई बोलते हैं, सीआई दे रखा है 10%, यानी कि जो आर दे रखा है दोस्तों वो 10% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, D=P(R/100) का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप तभी यूज करते हो जब जो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया है, ठीक है ना। When given difference between CI and SI, तो D मतलब difference, difference माने अंतर, अंतर कितना दे रखा दोस्तों 300 दे रखा, लिख दीजिए। P पूछ रहा है R का वैल्यू कितना, 10 10/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 300 = P, जब इसको दो बार लिखेंगे तो दो बार लिख दीजिए, 10/100 × 10/100। अब ये दो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल हुआ ना, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000 है ना, ये तो नीचे 100 यहाँ पे गुणा कर लेगा, तो 20 तो 20 बढ़ा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। यार कुछ भी नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस में रहता है, बस आपको फार्मूले को थोड़ा सा जहन में रखना है दोस्तों, फार्मूला जरूर याद कर लीजिए, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों,
टॉप 100 मैथ क्वेश्चन टीसीएस प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेशियो दो रेशियो तीन के अनुपात में, के अनुपात में तीन संख्याएं याद कीजिए, तीन संख्याएं याद कीजिए, तीन संख्याएं याद कीजिए जिनके वर्गों का योग, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजी लेवल का है। कह रहा है एक रेशियो दो रेशियो तीन के अनुपात में तीन संख्याएं याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 504 के बराबर हो। दोस्तों अनुपात में है ना, तो इनके वर्गों का योग 504 के, वर्ग का मतलब क्या, पहले माना संख्या x है, ये दो है ना तो 2x हो गया, तीन है ना तो 3x हो गया। कह रहा जो इनका स्क्वायर है दोस्तों वह 504 के बराबर है। स्क्वायर मतलब क्या, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दो एक्स का स्क्वायर करेंगे दो दूना 4x स्क्वायर, तीन एक्स का स्क्वायर करेंगे तीसरी का 9x स्क्वायर, बराबर कितने है 504 के, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 14 14x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 504, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 42 हो जाएगा, 14 6 84, एक्स स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों 36 आ गया, तो एक्स का वैल्यू 6 आ गया। सबको पता है स्क्वायर रूट उधर जाएगा दोस्तों, जैसे यक्स स्क्वायर बराबर कभी 25 है तो यक्स बराबर इसका उधर जाके कर लिए 25 और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। तो यक्स का वैल्यू 6 आ गया। तो कह रहा है तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, तो एक संख्या को हमने यक्स माना तो एक संख्या तो 6 हो गया, दूसरी संख्या 2 का 6 में गुणा करेंगे 6 2 12, तीसरी संख्या 6 3 18, यही तीन संख्या होगी 6 12 18। अब बताइए कैसा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उम्मीद करता कोई भी डाउट आपके लिए आज नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन उसको ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में। वीडियो को दोस्तों आप सभी लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा पढ़ाने का जज्बा बढ़ता है, और लाइक नहीं करते रहे जैसे लगता है क्या हो गया है। क्वेश्चन 18, अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर किसी कार को, ए और बी मिलकर किसी कार को 8 दिनों में, किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले काम को, बी अकेले काम को, इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए सॉरी, अगला जो भी वीडियो आएगा ना वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है, चलिए क्वेश्चन नोट हो चुका है दोस्तों, कितने दिनों में करेगा। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइम एंडर का बेहतरीन लेवल क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित है, आप सभी को ये चीज पता है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि ए और बी मिलकर दोस्तों किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। आगे कह रहा है बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है। दोस्तों बी की बात करेंगे ना तो बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है,
जिनको टाइम एंड वर्क का कुछ भी नहीं पता है ना, लिखिएगा टाइम एंड वर्क बाई वैजनाथ सर या टाइम एंड वर्क बाई एग्जाम तक वॉरियर्स, तो वीडियो आ जाएगा उसको देख लीजिएगा दोस्तों। अगर टाइम एंड वर्क आपका वीक है तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और प्लेलिस्ट में भी वीडियो है मैथ का, 49 वीडियो लगभग है ना, सारे देखो देख लीजिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी अकेले काम को 4 दिनों में कर सकता है। कह रहा उसके पश्चात ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। दोस्तों जब तक यहाँ पे हम देखिए दोस्तों, यहाँ पे लेते हैं एलसीएम 8 और 4 का एलसीएम, या एक ऐसा संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए, तो ऐसा संख्या हमने क्या ले लिया दोस्तों, आप 24 कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, 4 आएगा तब भी आएगा। चलिए अब यहाँ पर एक ऐसा संख्या लीजिए जो दोनों से कट जाए, तो 8 और 12 का ऐसा संख्या हमने ले लिया 24, 24 ले लिया, यानी कि 8 से 24 भी डिवाइड, 12 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा। इंग्लिश से बता देते हैं, देखिए ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज एंड बी कैन डू दिस वर्क इन 12 डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेट दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय ए, यानी कि वह दिन याद कीजिए जिसके लिए ए जो है काम को करेगा। तो करना क्या होता है, इसका एलसीएम ले लिया दोस्तों, ये 24 है, 24 आया क्या सर, 24 हमें कार्य करने हैं। हम बात करें चाहे 24 दीवार बनाना है, चाहे 24 घर बनाने हैं, चाहे 24 कलम का कुछ भी तरीके से 24 करना है, तो जब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में 8 काम करते हैं तो 24 काम को करने में कितना दिन लेंगे दोस्तों, 3 दिन लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे बी अकेले काम को 12 दिन में कर रहा है, तो 24 काम को करने में 12 दुना 24 2 दिन लेगा। अब ये कह रहा है ए काम को कितने दिनों में करेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे जो आता है दोस्तों, ये इफिशियंसी आती है, इफिशियंसी मतलब होता है कार्य क्षमता, यानी कि दोनों के अंदर। देखिए दोस्तों कार्य क्षमता का मतलब ये होता है कि मैं कितने मेहनत से पढ़ा पा रहा हूँ, मैं कितना वर्क कर पा रहा हूँ, वो मेरी इफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ए प्लस बी की इफिशियंसी यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे बी की इफिशियंसी 2 है, तो बी के नीचे 2 रख दिया, तो ए प्लस 2 बराबर 3, तो ए की इफिशियंसी 3, ये प्लस 2 उधर जाकर माइनस 2, 3 में से 2 गया 1, ए की इफिशियंसी 1 है। 1 का मतलब ये हो रहा दोस्तों कि एक काम को एक दिन में कर रहा, कितने दिन में, एक दिन में एक काम कर रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, चलिए ठीक है। बी अकेले काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, उसके पश्चात अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, उसके पश्चात कह रहा है ना, तो ये अकेला दोस्तों बचा हुआ काम कितना, 24 काम था, 8 काम इन लोगों ने कर लिया, तो 16 बचा है ना, तो 16 काम को करना हमेशा इफिशियंसी से भाग देते हैं, 16 बचते मतलब 16 डेज में ये अकेले उस काम को कर सकता है दोस्तों। ये बचा हुआ काम, अगर ये पूछता कि ये उसके पश्चात, अगर ये वर्ड नहीं रहता ना, ये पूछता कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 24/1 आप करते, तो 24/1 का मतलब 24 रहता है, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 19 और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, पहले से लिख दिया दोस्तों ताकि आप सभी को प्रॉब्लम ना हो, मैं समझ सकता हूँ आप सभी की प्रॉब्लम, टाइम बहुत अधिक बचत करते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रहा, यहाँ पे एक फार्मूला होता है MDH मसाला वाला, कौन दोस्तों, MDH मसाला, असली मसाले सच सच, MDH, ठीक है। कह रहा 22 पुरुष यहाँ पे एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 22 पुरुष दोस्तों, यहाँ पे जो MDH है, M का मतलब हो गया आदमी, डे का मतलब होता है दिन, और यश का मतलब होता है आवर, और नीचे रहता है कितना काम करना है, ठीक है। तो 22 पुरुष एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो यम का मतलब दे रखा और डी का मतलब दे रखा, ठीक है। तो कह रहा 32 पुरुष, यानी कि 32 पुरुष इसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो माना 32 पुरुष इसी काम को डी दिनों में करेंगे, बस इजी क्वेश्चन, काट दीजिए 16 करने में 16 दुना 32, इस तरीके से अगर बूढ़े का चिन्ह तो ही काट सकते हैं, फिर दो करने में 2 ग्रहण 22, तो डी का दोस्त यहाँ 11 है ना, तो डी का 11 आ गया, यानी कि 32 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, इधर थोड़ा सा कह रहा है एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, हमारा शुरू में कितने व्यक्ति थे दोस्तों, एम, तो एम व्यक्ति थे, काम को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, एम व्यक्तियों के माध्यम से कार्य को 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था। कह रहा है किंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी कि पहले एम थे तो 10 अनुपस्थित हो गए, यानी कि 10 नहीं आए, ठीक है ना, 10 अनुपस्थित मतलब 10 लोग नहीं आए,
तो 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण जो कार्य हुआ वह क्या हो गया दोस्तों, 110 दिनों में पूरा हो पाया, 110 दिनों में पूरा हो पाया। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए थे, तो हमें यानी कि एम का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो को हमने काट दिया, 10 का एम गुणा करेंगे 10 एम, ठीक है ना। फिर 11 का एम 11 एम माइनस 11 दशमलव 110, यही तो हुआ। अब देखिए दोस्तों, एम माइनस 110 है, जब बराबर की धारा का तो यह प्लस 110 हो जाएगा, बराबर 11 एम और यह प्लस 10 एम उधर जाकर माइनस 10 एम हो जाएगा। तो 110 बचाना, 11 एम में से 10 एम जाएगा कितना बचा एम, यानी कि एम मतलब हो गया 110। तो शुरू में कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति थे दोस्तों, शुरू में कितने व्यक्ति थे, 110 व्यक्ति। समझ में आया ना दोस्तों। यार इस तरीके से जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ना, तो यार हवा में उड़ा देना चाहिए, किसमें दोस्तों, हवा में। चलिए पाइप एंड सिस्टम से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं पाइप एंड सिस्टम का है, कह रहा है सेम टू सेम ये दोस्तों टाइम एंड वर्क की तरह काम करता है, ठीक है। इसमें जो भरेगा उसके लिए प्लस का यूज करते हैं और जो खाली करता है उसके लिए माइनस का, ठीक है। कह रहा है पाइप ए तथा पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे व 15 घंटों में भर सकते। पाइप ए था वो कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटों में। पाइप बी है वो कितने घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। दोस्तों इसका हम एलसीएम लेते हैं, या एक ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए ना, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो आएगा पाइप की जो है दोस्तों क्षमता, तो 30 ले लिया, 60 भी लेंगे तब भी आंसर आएगा। यानी कि ए क्या कर रहा है 10 घंटा ले रहा भरने में, और बी क्या कर रहा है 15 घंटा। तो दोस्तों 1 घंटे में पाइप कितना लीटर भर रहा है, 3 लीटर। 10 से 30 में दोस्तों इससे इसमें भाग करते हैं, ठीक है ना। पाइप ए 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा, पाइप बी 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, 2 लीटर। 15 से 30 में भाग दिया 2, यानी कि दोनों मिलाकर दोस्तों 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं। 30 लीटर भरना है तो दूसरे घंटे में 10 हो जाएगा, तीसरे घंटे में 15, चौथे घंटे में 20, पचास 25, छठे घंटे में 30। आंसर हमारा कि 6 आ जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, 30 करना बटे ये 3 और 2 को जोड़ लेंगे 5, 5 से भाग देंगे 5 का 30, यानी कि दोनों को भरने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, 21 नंबर तक का क्वेश्चन हो गया, बस भरोसा रखिए और दुआ करिए मेरे लिए, मैं क्या टॉप 100 आपके लिए कंप्लीट करा सकूँ, ठीक है। और आप लोग मॉक टेस्ट 25 जुलाई से जो कल से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मॉक टेस्ट को लेना ना भूलें। वो सिलेक्शन बैच है दोस्तों, आप सभी को इसी एनबीई एग्जाम में नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।